सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पर मैंने सोचा आज का दिन स्पेशल है तो वीडियो बनानी तो ज़रूर बनती है। आप लोगों को दिखाया जाएगा क्या हो रहा है। तो बेसिकली आज जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है, हम जा रहे हैं अपना नया कैमरा लेने। तो भाई अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैं और नमन जा रहे हैं नया कैमरा लेने, और मेरा एक और फ्रेंड है वो भी आ रहा है, वो भी साथ में कैमरा ले रहा है। तो दिखाएंगे क्या क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो अभी हमें जाना है लाजपत नगर, जहाँ पे हमारा कैमरा स्टोर है, वहाँ पे जाके कैमरा लेना है। मैंने कैमरा काफ़ी दिन पहले बुक करा दिया था, स्टॉक में नहीं था, अवेलेबल करवा लिया है और सारी तैयारी हो चुकी है। जाना है, पेमेंट करना और कैमरा उठाना है। चलो वी आर ऑल सेट, लेट्स गो। चलो भाई, कृतिक पहुँच चुका है और वो गालियाँ देगा। कृतिक भाई इसकी वजह से लेट हुए हैं। ये है मेन्यू, मैं काफी देर से रेडी बैठा था, इतनी देर लगाई है। थोड़ा काम, काम थोड़ा काम में बिजी था भाई। और लालका था भाई जी। क्या अपनी कार वगैरह पार्क कर दी है? ये भी लाजपत नगर नई पार्किंग बनी, ऑटोमेटेड पार्किंग। गाड़ी लगाओ ऊपर, चले भाई चलो। तो भाई एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है और सामने ही स्टोर है, पर लेट काफी ज्यादा होंगे। कृतिक पहुंच चुका है, करीबन आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है और मेरे को बार बार फोन करे जा रहा है, भाई कहाँ रह गया कहाँ रह गया। हमें भी इस वाले पे मेरा दो गया। कांग्रेचुलेशन ब्रो। भाई हमारे साथ हो गया धोखा। तो बेसिकली मुझे चाहिए था सिल्वर कलर, और मैंने एडवांस भी दे दिया था भैया को, पर कुछ कन्फ्यूजन हो गई और उन्होंने मेरे को पकड़ा दिया ब्लैक। अब हमारा थोड़ा डिले हो गया है, तो अब क्या कर रहे हैं कि कृतिक को भाई को दिला रहे हैं। हमारा सपना जो था वो पूरा नहीं हो पाया है एक साथ लेने का, मतलब एक तरह से ले रहे हैं पर अनबॉक्सिंग एक साथ नहीं कर पाएंगे। इसको ऑफिस जाना, ऑफिस जाना है भाई, आज लग चुका है लॉकडाउन, अब ऑफिस आज जाना पड़ेगा क्योंकि अगले 6 दिन अगले हफ्ते के लिए छुट्टी, घर बैठना है। तो घर बैठ के अपना बढ़िया से अपने कैमरे को एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ सीखेंगे, क्या है क्या नया है क्या, मतलब क्या भाई की, इस भाई की तो हो रखी थी पिछले हफ्ते से छुट्टी, नहीं पिछले 2 हफ्ते छुट्टी में, पिछले 2 हफ्ते से छुट्टी क्योंकि कोरोना, बिकॉज मैं जा रहा था ऑफिस, अब आज जा रहा हूँ कल फिर से। चलो तो अब बढ़िया है ना, इन्जॉय करो भाई। हाँ कैमरा एक्सप्लोर करेंगे, अब बढ़िया से कैमरा इन्जॉय करेंगे। अब थोड़ा सा डिले हो गया, कृतिक का कैमरा अनबॉक्स करते हैं, उसके दिखाते हैं क्या क्या मिला, और मेरा वाला थोड़ी देर बाद करेंगे, करीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक और काम है पास के, वो निपटा देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे और करेंगे अनबॉक्स। कांग्रेचुलेशन ब्रो, इडनी लीवर सब बिक गया। पूरे अकाउंट खाली हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमारी 6 लाख की ट्रांजेक्शन हो चुकी है। सिक्स लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन हो चुकी है अभी। ये हमारा लेंस कैमरा वन का साइड में इसके नीचे 17-28। तो हम दोनों ने बेसिकली वाइड एंगल लेंस लिया, क्योंकि हमारा काम बेसिकली जो शूट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें वाइड एंगल का ही काम आता है, तो अपने व्लॉग में भी मज़ा आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो हमारा फ्रेम कितना आ रहा है। तो मज़े की बात है, अभी जो मेरा पुराना कैमरा है उसमें भी हमारे पास सेम लेंस है, F16 mm है सिग्मा, मेरी भी 16 सिग्मा है, और अभी भी हम दोनों ने 17-28 लिया। सेम व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ लिटरली बिल्कुल सेम हो गया, तो मज़ा आने वाला है। मतलब अब काम करने में क्या मजा है भाई। तो बेसिकली अभी हमारे एक और मित्र का फोन आया है कि भाई आज शाम को एक शूट है, मौके पे चौका, नए कैमरे से शूट करेंगे। देखते हैं अगर वो होता तो एक नए कैमरा का आज उद्घाटन हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक वो हो गया पोपट कि मेरा कैमरा थोड़ा डिले हो गया, वो आ रहा है रास्ते में, तो अब तक कृतिक का हमने अनबॉक्स कर दिया। तो ये है भाई A7S3 बीस्ट, मतलब इससे बेटर और कोई कैमरा तो नहीं है अभी तक मेरी नज़र में, तो नहीं है ना। तो भाई इसके साथ ना जो महंगा कैमरा है तो खर्चे भी महंगे होते हैं। ये SD कार्ड लिया है भाई, कितने का है? 7,500। बस 7,500 और ये ओनली 64 GB है बस। लेकिन ये भी सबसे सस्ता वाला है, मतलब इससे सस्ता नहीं था V90 में। जितने ज़्यादा महंगे उतने ज़्यादा खर्चे। तभी तो अभी तो जब मज़ा जब आएगा जब भाई को एडिट करनी होगी फाइल्स, क्योंकि फाइल्स इतनी ज़्यादा बड़े साइज की बनेंगे तो एडिट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी इसकी। पर इसकी MRP 12,000 है और ऑनलाइन ये 10,000 से कम का कहीं नहीं मिलता। अच्छा प्राइसिंग मिली, अच्छा सब कुछ मिला है, तो अभी आपको एक एक चीज़ बढ़िया से बताएंगे। बस वेट है हमारे कैमरे का। फाइनली द किट इज़ रेडी, कैमरा 17-28 सोनी A7S3 बीस्ट, और साथ में इसको भाई ये तो गलत है, मेरे को छोटा बैग दिया, इसको बड़ा बैग दिया। तेरा आ रहा है अभी, मुझे भी बड़ा बैग चाहिए यार। गलत मंगा रहे हैं आपके लिए बड़ा बैग।
बड़ा बैग अब बोल दिया रिकॉर्ड हो गया अब रिकॉर्ड हो गया अब तो भैया फंस गए अब इनको बड़ा बैग मंगाना पड़ेगा। तो भाई बेसिकली हमने कैमरा लिया है जीपी प्रो से लाजपत नगर से और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील मिल गई। मिली नहीं मिली भाई मिली तो मैंने काफ़ी जगह देखा अच्छा। दो तीन जगह देखा हाँ ये काम मेरे पर छोड़ दिया था कृतिक ने कि कहाँ से लेना है वो डिसाइड करे बाकी जो हमें स्पेसिफिक टेक्निकल चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत इस पर छोड़ दी बाकी हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया सिर्फ प्राइस भी मैटर नहीं करता देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है और यहाँ एक्सपीरियंस ओवरऑल बेटर था प्राइस भी अच्छा था फैसिलिटीज़ और जो हमें सर्विसेज मिल रही है वो डिपेंड करता है। तो अभी हम जा रहे हैं एक बार भैया के साथ भैया कह रहे हैं आपको स्टोर दिखा देता हूँ स्टूडियो स्टूडियो अच्छा ऊपर स्टूडियो भी भैया का कह रहे दिखा देता हूँ कभी भी जरूरत हो कोई शूट करना हो तो ये चीज़ भी मैटर करती है शू परचेज करते हुए कि क्या क्या फैसिलिटी सर्विसेज में मिल रही है। डिस्टर्ब नहीं करना चाहते पर काफ़ी बढ़िया स्टूडियो बना हुआ है कुछ शूट वगैरह करना हो तो इजीली आराम से बैठ के अपना शूट कर लो। हाँ भाई जगह सही है ना मतलब टेबल्स वगैरह अच्छा बना रखा है कुछ भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी मतलब काफ़ी चीज़ों की यूज हो सकता है जिसका था हमें इंतज़ार वो आ चुका है। सो भाई मैंने लिया है A7C और मुझे चाहिए था स्पेसिफिकली सिल्वर कलर ये ब्लैक कलर ऊपर से दिखाता हूँ रेडी चलो भाई अनबॉक्सिंग खुशी देख रहे हो खुशी तो है भाई बहुत ज्यादा खुशी है जिसका था हमें इंतजार ये चीज नहीं मिली मुझे। ओ मैं ना कृतिक के बॉक्स देखना मैं ढक्कन पे कुछ खाली खाली लग रहा है वो मेरे ढक्कन पे है ये तो ये है 64GB का फास्ट SD कार्ड और जितने महंगी चीज लोगे तो सामान कम मिलेगा आपको। चलो तो ये है स्ट्रैप ये भी इसका कोई काम नहीं है अरे कोई बात नहीं बैटरी चलेगी ये एक और बैटरी आ गई चलो ये आ गया मेन ओहो सिल्वर कलर दिखा दिया जाए चलो 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 दिखाओ भाई क्या बात है भाई साहब मतलब ये विंटेज लुक काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को तो मतलब इसीलिए सिल्वर कलर ढूंढ रहा था तो बताना कैसा लग रहा है कृतिक भाई क्या कहता है भाई बहुत बढ़िया मतलब वर्थ इट मैं भी इस कैमरा में कंफ्यूज था हाँ मेरी भी ये चल रही थी कि सी लूंगा या फिर मैं S3 लूंगा फिर ऐसे आया चलो भाई खुल रहा है फुल फ्रेम तो फाइनली अपग्रेड हो चुका है कैनन से सोनी तक का सीधा। अब इसको देखते हैं क्या करना है इसको बाय बाय करना है कि इसको रखना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। भाई ने भी सेम लेंस लिया जो मैं ले पिछली बार भी हमारे सेम लेंस था फिर से तुम्हारा सेम लेंस दोनों की थी अब दोनों की 17-28 भाई से इंतजार नहीं होना तो भाई कुछ ऐसा लग रहा है हमारा कैमरा छोटा कॉम्पैक्ट कृतिक वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा कृतिक का दिखाइए भाई। तो भाई ये रखे हैं दोनों कैमरे दोनों का साइज देख लो ये थोड़ा बल्की है ये एक्साइटमेंट खुशी बयान नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं सपना पूरा हो गया हमारे कृतिक भाई का भी और हमारा भी बिल्कुल कि नई चीज़ें आ चुकी हैं और एक साथ प्लान करा था एक साथ हमने बहुत दिन से प्लान किया था एक साथ लेना और फाइनली हम दोनों ने एक साथ एक घंटे पहले कैंसिल हो गया एक साथ नहीं ले पाएंगे लेकिन फिर हमने पैसे इन्वेस्ट करे पिज्जा में उसके बाद हमें एक साथ मिल गया तो भाई साहब मज़ा आ गया कृतिक भाई भाई बिल्कुल वर्थ इट है हमारे दोनों की डील बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा खुशी भाई खुशी ये हमारे पड़े 6 लाख रुपए 6 लाख से ज्यादा 6.5 लाख रुपीज 1, 2, 3, 4 और लिटरली हम दोनों के सेम लेंस और मैंने एक वीडियो लाइट भी लिया तेरे पास और क्या है तेरा एक बैग भी है घर में तो रख देते हैं सारा सामान मंदिर में भगवान जी के पास काम हमारा बढ़िया से चले। सो गाइस अभी हम ब्लॉग कर रहे हैं अपने कैनन M50 से जिसपे लगा हुआ सिग्मा का 16mm लेंस तो और ये है अपना सोनी का नया कैमरा और जो मैं भी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ यह है कैनन का क्रॉप फ्रेम कैमरा और यह है सोनी का फुल फ्रेम कैमरा तो अभी दिखा तो आपको डिफरेंस क्या है डिफरेंस आ रहा है तो अभी देखा स्विच करता हूँ मैं अपने सोनी पे। सो फाइनली आ चुके हैं अपने सोनी के ऊपर तो देखना कितना फर्क पता चल रहा है आपको देखो ना कितना ज़्यादा वाइड हो गया तो वाह यार मज़ा आ गया क्या गजब वाइड एंगल आ रहा है पूरा का पूरा मेरा कमरा कवर हो रहा है अब तो भाई साहब मज़ा आ गया क्या गजब क्वालिटी आ रही है तो आप बताना आपको क्या डिफरेंस लग रहा है पहले से मेरे कैनन के अंदर और इस सोनी के अंदर तो अब मैं दिखा देता हूँ ये है अपना
कैनन का M50 जो कि मैं यूज़ कर रहा था इससे पहले, और ये है क्रॉ फ्रेम कैमरा। एक्चुअली मुझे प्रोफेशनल शूट्स वगैरह में क्रॉ फ्रेम कैमरा में थोड़ी दिक्कत होती है, फुल फ्रेम कैमरा की नीड होती थी, तो मैंने अपग्रेड कर लिया है। कुछ बीच में मेरे साथ दिक्कतें भी फेस करी है, मैं अपने कैनन के कैमरा के साथ बहुत बड़ा रिस्क भी हुआ है, तो वो तो थोड़ी बात की बातें कभी बताएंगे। पर अब मैंने स्विच कर लिया है अपने सोनी पे जो कि फुल फ्रेम कैमरा है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो बताना कैसा लग रहा है, आउटपुट कैसी लग रही है, क्वालिटी। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, मतलब वैसे तो मुझे पता है कैसे यूज़ करना है क्या है, पर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है पूरे सेटल डाउन होने के, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन डे सुबह शाम दिन रात, बिल्कुल आदत लगी हुई है, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ा बहुत हाथ बैठने में टाइम लग जाता है। तो फाइनली परचेज हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अभी काम करना है, शूट करना है, बड़े बड़े कंटेंट बनाना है और आप सभी को दिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सपोर्ट की वजह से हम अपना नया कैमरा ले चुके हैं, घर वालों की वजह से, भगवान ऊपर वाले भगवान की वजह से हम अपना नया कैमरा ला चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है।